मैनपुरी से निकाय चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर समाजवादी प्रत्याशी ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार के साथ ही प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रत्याशी ने कहा कि अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, कई वीडियो वायरल भी हुए थे, फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका बदला जनता 2024 लोकसभा चुनाव में लेगी। कितने वोटों से आपको पराजित किया? उन्होंने हमें भले ही सत्ता के दम पर और अपने दबंगों के बल पे हराया हो, लेकिन जनता के दिलों पे राज करने के लिए हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और मेरे दिलों में जनता के लिए, जनता के दिलों में मेरे लिए हर जगह जगह बनी रहेगी। और पूरा जो है नगर पंचायत आज विशेष रूप से इस बात की निंदा कर रहा है, समझे कि जिस तरीके से प्रशासन के लोगों ने और उनकी दबंगों ने भी नंगा नाच किया है, इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। 4324 वोट मिले, 4019 वोट के लगभग बीजेपी कैंडिडेट का मिला हुआ था। जो हमारे आर ओ हैं उन्होंने हमसे कहा कि आप आज जो है चुनाव जीत गए हैं, हम कल इलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको पार्टी से जी। लेकिन गोपाल विधायक के प्रतिनिधि और उनके पुत्र अंकुर और सीडीओ मैनपुरी विनोद कुमार, एसडीओ भोगांव अंजलि, इन तीनों लोगों ने आपस में मंत्रणा की। मंत्रणा करने के बाद तुरंत पुलिस ने जितने कैंडिडेट थे, जितने एजेंट थे, सब लोगों को बाहर निकाल जी। बाहर निकालने के बाद सीधे सर्टिफिकेट जो है बीजेपी कैंडिडेट को उन्होंने दे दिया। नगरपालिका से लेकर हमारी 9 नगर पंचायतों में सारे के सारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दबाव में बेईमानी की। सुमन वर्मा के पति बहन थे, सुमन वर्मा, ये सारे लोग काउंटी में अंदर थे, धमकाया और तमाम चीजें उन्होंने जो कर सकते थे, जो एक अपराधी के साथ होती थी, वो उन्होंने अंदर काउंटी में प्रशासन ने किया। और जीतने वाले हमारे सुमन वर्मा कम से कम 12-13 हजार वोट से जीतने जा रहे थे, बेईमानी करके उनको खा दिया। ऐसी सारी नगर पंचायत है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया यहाँ के प्रशासन ने, लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही है मैनपुरी के अंदर। 2024 में बदलना पड़ेगा ये तो आप इनको साफ हो गए। मैनपुरी में जो अभी हमारी सांसद जी की 2,88,000 से जीत हुई थी, वो 2024 में 5.5 लाख ऊपर से जीत हो गई। आपने जो अभी आरोप लगाया है प्रशासन पे, क्या न्यायालय की तरफ बिल्कुल करेंगे? हम लोग पार्टी विचार कर रही है।